अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ऑटोमाइजर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है। और उसके अलावा पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड, जैसे कि फ्लेम्स या बर्नर्स वगैरह का, और बच्चों को पता नहीं होता कि हमने क्या आंसर लिखना है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि एटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज जो हमने डिस्कस करना है इस वीडियो के अंदर, ये ऑटोमाइजेशन हमने करना है। ये जो इतना यूनिट है, ये ऑटोमाइजेशन यूनिट है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन होता है, इसको हम लोग नेबुलाइज करके फिर फ्लेम के तक पहुंचाते हैं, जहां पे वो बर्न हो जाता है, और बर्न होने के बाद एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारे पास रेडिएशन सोर्स होता है, उससे आने वाली रेडिएशन जब हमारे ऑटोमाइज सैंपल के साथ टकराती है, तो सैंपल के कंपोनेंट जो होते हैं ये एक्साइटेड स्टेट में चल जाते हैं, और जो रेडिएशन उन्होंने अब्सॉर्ब की है, इन रेडिएशन को हम लोग डिटेक्टर से डिटेक्ट करके एटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के कंटेंट्स में आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग ऑटोमाइजर, ऑटोमाइजेशन, नेबुलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद तीन टाइप्स हैं ऑटोमाइजर्स की, बर्नर्स, नॉन फ्लेम ऑटोमाइजर्स और कोल्ड फ्लेम ऑटोमाइजर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बर्नर्स और उसके टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नॉन फ्लेम और कोल्ड फ्लेम को डिस्कस करेंगे। ऑटोमाइजेशन क्या होती है? ऑटोमाइजर्स एक कंपोनेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन का, एटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम लोग ऑटोमाइजेशन कहते हैं। ऑटोमाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हम लोग अपने सैंपल के कंपोनेंट जो होते हैं उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, और उसके मॉलिक्यूल्स को हम लोग एटम में कन्वर्ट करके गैशियस फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दो डिफाइंस आती हैं ऑटोमाइजेशन की। पहले तो ये है कि इसको एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट ये है कि हम लोग इसको सेपरेट करते हैं फाइन पार्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक लिक्विड को हम लोग स्प्रे या मिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग परफ्यूम अपना स्प्रे करते हैं तो वो एरोसोल की फॉर्म में बाहर आता है। नेबुलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो हमारा सैंपल होता है वो एरोसोल बन जाता है। एरोसोल हम लोग इसी चीज को कहते हैं कि जो हमारा लिक्विड है जब वो हम लोग स्प्रे करते हैं बाहर, तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर प्रेशर के साथ आता है, इसको हम लोग एरोसोल कहते हैं। और ये कब होता है? जब हम अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस कराते हैं फ्लेम या प्लाज्मा के अंदर, तो वो जो सैंपल हमारा होता है वो बर्न होके एटम्स या आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, एटोमाइजेशन यूनिट के अंदर जो से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इनको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग अपने सैंपल के कंपोनेंट्स का एक मिक्सचर बनाते हैं, उसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम लोग मिक्स करते हैं। और आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, कि हमने अपना सैंपल इंट्रोड्यूस जो भी कराना है वो हमने लिक्विड फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराना है। तो सैंपल को हम लोग लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद ये वेट एरोसोल में कन्वर्ट होगा नेबुलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए। नेबुलाइजेशन के अंदर जो सैंपल है वो एक फाइन स्प्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक वेट एरोसोल जो होगा वो ड्राई पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा। इसमें हम लोग डिसॉल्वेशन का प्रोसेस करेंगे, इसके अंदर से जो सैंपल के अंदर हमारा सॉल्वेंट था उसको हम लोग रिमूव कर देंगे वेपोराइज करने के जरिए से। उसके बाद जो ड्राई पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे वोलेटाइलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए। वोलेटाइलाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास सब्सटेंस है वो अपने एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एटम्स से मॉलिक्यूल्स या आयन में कन्वर्ट होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछा करें। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस ऑटोमाइजेशन और डिस्क्रीट ऑटोमाइजेशन। स्टूडेंट, नेम से शो हो रहा है कि कॉन्टिन्यूस के अंदर एक स्टेडी फ्लो होगी, स्टेडी स्ट्रीम होगी, जैसे कि प्लाज्मा और फ्लेम के अंदर होता है। जब हम प्लाज्मा या फ्लेम के जरिए से अपने सैंपल को हीट करेंगे या ऑटोमाइज करेंगे तो उसकी बिल्कुल एक स्मूथ फ्लो होगी, लेकिन डिस्क्रीट ऑटोमाइजेशन के अंदर जो सैंपल होगा उसकी स्मूथ फ्लो नहीं होगी, उसको हम लोग स्ट्रीम्स वगैरह के जरिए से इंट्रोड्यूस कराएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइजर्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। और स्टूडेंट्स, इन सब टाइप्स को, फ्लेम्स और इलेक्ट्रोथर्मल ऑटोमाइजर्स को, हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमनली यूज ऑटोमाइजर्स की तीन टाइप्स हैं, बर्नर्स, नॉन फ्लेम ऑटोमाइजर्स और कोल्ड फ्लेम ऑटोमाइजर्स। स्टूडेंट्स, बर्नर्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोमाइजर के अंदर, और ये बहुत बार एग्जाम में आ भी जाता है। तो बर्न होना सैंपल का बहुत ही जरूरी है, सैंपल बर्न होगा तभी तो उसके एटम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और फिर दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तभी से हम लोग उसकी एटॉमिक अब्सॉर्प्शन या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, ये फ्लेम ऑटोमाइजर्स की टाइप है क्योंकि इनके अंदर फ्लेम यूज होता है। ये नेबुलाइजर के ऊपर कंसिस्ट करता है, जो कि नेबुलाइजर जो है हमारे सैंपल को नेबुलाइज करके फिर वो इंट्रोड्यूस कराता है बर्नर के अंदर। इसकी दो टाइप्स है, टोटल कंजम्पशन बर्नर और प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सैंपल को बर्न करने के या बर्नर के, वो तीन होते हैं, फ्यूल, ऑक्सीडेंट और सैंपल। इनके बगैर हमारा सैंपल ना बर्न हो सकता है, ना ही हम लोग कोई फ्लेम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम बर्नर की टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है टोटल कंजम्पशन बर्नर। स्टूडेंट्स, टोटल कंजम्पशन का मतलब ये है कि ये ऐसा बर्नर है जिसके अंदर हमारा सैंपल जो है वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा एंड नो प्रीमिक्सिंग अक्कर, और उसमें कोई प्रीमिक्सिंग नहीं होगी। इस प्रीमिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपको इससे अगले टॉपिक में, बर्नर के अगले टाइप में क्लियर होगा। जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है फ्लेम के, मैंने आपको बताया तीन होते हैं, फ्यूल, ऑक्सीडेंट और सैंपल। ये सब कंपोनेंट जो होते हैं हमारे टोटल कंजम्पशन बर्नर के टिप के ऊपर जाके मिलेंगे और वहां पे जाके ये इनकी फ्लेम बनेगी। और इसमें जितने भी इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग रास्तों से टिप पे पहुंच रहे होते हैं, फ्लेम के टिप पे। जो इसमें साइज होता है वो 20 माइक्रोमीटर होता है हमारे सैंपल के ड्रॉपलेट्स का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, ये सैंपल है, ये एक कैपिलरी के जरिए से हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ऊपर फ्लेम बन रहा है। और एक बात हमने की थी कि जितने भी इसके मेन कंपोनेंट्स हैं ये टिप पे जाके ज्वाइन करेंगे, और हर कंपोनेंट को टिप तक पहुंचाने के लिए लदा लदा रास्ता है। ये वाला रास्ता है जिससे हम लोग फ्यूल को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और एक ये वाला रास्ता है जहां से ऑक्सीडेंट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे बेस है, ऊपर जाके फ्लेम बन रही है। तो सैंपल को और ऑक्सीडेंट को और फ्यूल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए डिफरेंट पाथ यूज हुए हैं, और टिप पे जाके ये तीनों चीजें फ्लेम प्रोड्यूस करेंगी। इसको हम लोग टोटल कंजम्पशन बर्नर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे का सारा सैंपल हमारा बर्न हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसके हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। पहला एडवांटेज तो इसका ये है कि जो हमारा सारा का सारा सैंपल है वो बर्न होता है। तो सैंपल अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी हैजर्ड्स। इसका मतलब ये है कि सैंपल का अमाउंट अगर कम बर्न होगा तो ज्यादा खतरे होते हैं हमारे बर्नर के अंदर, लेकिन सारा का सारा जब सैंपल बर्न हो जाएगा तो हमारे बर्नर के अंदर कोई भी खतरा नहीं होगा। नो एक्सप्लोजिव, और ये एक्सप्लोजिव नहीं होता। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि इसकी जो पाथ लेंथ है फ्लेम की वो शॉर्टर होता है। स्टूडेंट, सैंपल और फ्लेम के दरमियान में जो पाथ लेंथ है ये बहुत ही छोटा होता है, जिससे सैंपल के जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स होते हैं वो भी चले जाते हैं इसके अंदर, और वो अंदर जाके अटक भी सकते हैं। इसमें क्लॉगिंग हो सकती है, और इसके अलावा ये बहुत ही नॉइजी होता है। लेजर सेंसिटिविटी है, लार्जर ड्रॉपलेट्स कॉज क्लॉगिंग। इसका मतलब यही है कि क्योंकि पाथ लेंथ बहुत छोटा है, सैंपल फ्लेम तक जाने के लिए बहुत ही छोटा रास्ता है, तो रास्ते में क्लॉगिंग हो सकती है, और जो लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं सैंपल की उनकी ऑटोमाइजेशन नहीं होगी। विस्कोसिटी डिपेंडेंट, इसका मतलब यह है कि जो नेबुलाइजेशन है हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स की वो उनकी विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये नॉइसी होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर। नेम से ये शोर हो रहा है कि प्रीमिक्स यानी कि तीनों कंपोनेंट्स जो फ्लेम के होते हैं ये पहले ही मिक्स हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैमिनर फ्लो बर्नर। लैमिनर फ्लो का मतलब ये होता है कि स्मूथ फ्लो इसमें होती है फ्लेम की। इसके अंदर सैंपल जो होता है ये कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, और ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स जो होते हैं ये पहले ही मिक्स हो जाते हैं। टू फॉर्म एरोसोल इन अ स्प्रेइंग चैम्बर वेयर इट रिमूव्स ऑल द बैफल्स एंड अलाउ द चैम्बर फाइनेस्ट पार्टिकल्स टू रीच अप टू द ओपनिंग बेस। स्टूडेंट, जो हमारे तीन कंपोनेंट्स होते हैं फ्लेम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, आप इनको याद कर लें, हमारा फ्यूल, हमारा ऑक्सीडेंट और सैंपल, ये पहले ही मिक्स हो जाते हैं इसके अंदर एक बैफल्स के जरिए। बैफल्स एक तरह के का मिक्सिंग चैम्बर होता है जो इनको मिक्स कर देता है, उसके बाद ये एरोसोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर बेस तक जाते हैं, और फिर इनकी फ्लेम बनती है। इसका फ्लो रेट 2 से 5 मिलीलीटर होता है, फ्लेम लेंथ 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। इनमें ज्यादातर जो फ्लेम होती है वो लॉन्गर पाथ लेंथ की होती है। यहाँ पे सिर्फ 5 से 10% सैंपल ही एंटर करता है फ्लेम के अंदर, और बाकी जो होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है। स्टूडेंट्स, जबकि हमारा जो टोटल कंजम्पशन बर्नर था उसमें हमारा सारा का सारा सैंपल बर्न होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 5 से 10% सैंपल बर्न होता है, बाकी 90% जो सैंपल होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें जो सैंपल के सोल्यूशन का साइज होता है वो 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि टोटल कंजम्पशन बर्नर के अंदर 20 माइक्रोमीटर था। फ्लेम जो है वो ऑटोमाइज्ड फॉर्म में जाती है। स्टूडेंट्स, इसके डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, सैंपल एक तरफ से इंट्रोड्यूस हो रहा है, सैंपल जो होता है ये नेबुलाइजेशन के जरिए से इंट्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर।
या फिर वैक्यूम के जरिए से। इसके अलावा साथ ही ऑक्सीडेंट और फ्यूल भी ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे मिक्सिंग बैफल्स लगे हुए हैं, और जो ये बफल्स होते हैं ये इन तीनों कंपोनेंट्स को प्रॉपरली मिक्स कर देते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ड्रेन है, ड्रेन का मैंने आपको पहले ही काम बताया है कि सिर्फ 10% जो हमारा सैंपल है वो बर्न होता है, बाकी का 90% जो होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है। और यही एक एडवांटेज है प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर की कि ड्रेनेज इसमें हो जाती है, जबकि जो टोटल कंजप्शन बर्नर्स था उसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सैंपल के वो ड्रेन नहीं हो सकते और वो रुकावट कास कर देते हैं उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई रुकावट नहीं होती, जो कि लार्जर कंपोनेंट्स होते हैं सैंपल के वो ड्रेन आउट हो जाते हैं और बाकी के ऊपर जाके बर्नर के हेड में जाके फ्लेम पर यूज कर देते हैं। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं हम लोग। पहली तो बात है कि इसका लार्जर पाथ लेंथ होता है फ्लेम का, इसमें सिर्फ स्मॉल कंपोनेंट्स ही फ्लेम तक पहुंचते हैं, ये क्वाइट होता है, जबकि दूसरा जो बर्नर था वो बहुत शोर होता है, उसमें नॉइस होती है, लिटिल क्लॉगिंग टेंडेंसी, इसमें क्लॉगिंग ज्यादा नहीं होती। इसकी डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं कि मिक्सचर एनालिसिस कॉजेस एरर। फिर क्या है कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो सैंपल है बहुत ही कम अमाउंट में बर्न होता है और इसमें ड्रेनेज बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके अंदर एक्सप्लोजन हैजर्ड्स होते हैं, इसके अंदर आग लग सकती है और ये विस्कोसिटी डिपेंडेंट होता है। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं हम लोग प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर की। एक बॉइलिंग बर्नर जो है बहुत ही पॉपुलर है, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके ऊपर 3 बर्नर के स्लॉट्स होती हैं और ये लॉन्गर पाथ लेंथ का हमें फ्लेम प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स इससे अगली वीडियो के अंदर हम लोग ऑटोमाइजर्स की बाकी 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कॉल्ड फ्लेम और नॉन फ्लेम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है।